बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं एक और रेस्टोरेंट की एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की रेसिपी हमारी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट BNH मेन छिपोनर कॉलेज चौरंगी नॉर्थ नाजाबाद कराची में वाक़ है। इस रेस्टोरेंट के तमाम फ़ास्ट फूड और चाइनीज़ खाने बहुत ही लजीज और बहुत ही मशहूर है। यहाँ होम डिलीवरी और टेक अवे भी दस्तियाब हैं, तो आइए चल के सीखते हैं। जी व्यूवर्स, आज हम BNH रेस्टोरेंट के साथ बनाने जा रहे हैं बीफ फजीता रोल। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये रोल और टेस्टी रोल है। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। बीफ फजीता रोल बनाने के लिए हमने अंडर कट बीफ का गोश्त लिया है, जो कि 170 ग्राम गोश्त है। अब इसे हम एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करना है और चौक गार्लिक यानी लहसुन इसमें हमने हाफ टेबल स्पून ऐड करना है। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने। इसको मैरिनेट करने के लिए 30 मिनट्स रूम टेम्परेचर पे आपने रख देना है। तीस मिनट मैरिनेट के बाद अब हम गोश्त को कुक करेंगे। ये 30 से 12 मिनट में दोनों साइड गोश्त के गल जाएंगी। याद रखिएगा, ये अंडर कट का गोश्त है तो ये आसानी गल जाता है, और ये बीफ फजीता रोल है तो इसके लिए आपने सिर्फ अंडर कट का गोश्त ही लेना है जो कि आसानी गल सके। जी व्यूवर्स, हमारा बीफ फजीता रोल बिल्कुल तैयारी के करीब है। कितना कलरफुल गोश्त नज़र आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे गोश्त ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल तैयारी के करीब है। अब हम इसके अंदर 3 अदद वेजिटेबल, इसमें हमने हाफ हाफ वेजिटेबल लेना है। इसमें हम लेंगे जो है सबसे पहले ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और ओनियन हाफ हाफ आपने इसमें ऐड करना है। अब इन सबको अच्छे तरीके से आपने इसमें ऐड कर लेना है, मिक्स अच्छे तरीके से कीजिएगा। जी व्यूवर्स, आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा कितना ही कलरफुल लग रहा है ये आज का बीफ फजीता रोल। बहुत ही मज़ेदार किस्म का लग रहा है, अभी से ही मुंह में पानी आने लगा है। अब हम इसमें हाफ चीज़ को कट करके मिक्स कर लेंगे। जी जनाब, अब हम एक पराठे के अंदर इसको रोल कर लेंगे।
पराठा आपने कोई ख़ास नहीं लेना, जो घर में भी बनता है वो भी पराठा आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इस पराठे के अंदर आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप गार्निशिंग करेंगे। इसमें आप जो है मायनीज ऐड कर सकते हैं, कोई भी सॉसेस आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद आप इसे रोल कर लीजिएगा। अब हम इसे रोल कर लेंगे। लीजिए जनाब, हमारी आज की रेसिपी बीफ फजीता रोल बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कीजिएगा, और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम रेसिपी का लिंक आपको बआसानी मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।